गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी सब कुशल ही होंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ संख्या के बारे में बताने जा रही हूँ। संख्या क्या होता है, किसे कहते हैं। हर किसी वस्तु व्यक्ति का नाम होता है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका किसी न किसी नाम से परिचय हम करते हैं। यदि उनका नाम न हो तो हमें उन किसी भी चीज को जानने में असुविधा महसूस होगी। इसीलिए संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कोई न कोई नाम अवश्य होता है। अतः कहने का तात्पर्य है कि संज्ञा उसे कहते हैं किसी व्यक्ति प्राणी वस्तु स्थान गुण अवस्था के नाम को संज्ञा करते हैं। जैसे राम श्याम दिल्ली मुंबई खटास मिठास इत्यादि। कहने का मतलब जितने भी नाम हैं संसार में सभी संज्ञा हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, पांच। तो सबसे पहला भेद क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हम संज्ञा का पहला भेद पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक उसे कहते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति विशेष स्थान विशेष वस्तु का जो बोध कराते हैं उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे महात्मा गांधी महात्मा गांधी हो गए, मुंबई हो गया, दिल्ली आदि, ताजमहल हो गया, कुरान हो गया, गीता ग्रंथ हो गया, ये सब क्या है, विशेष वस्तु हैं। तो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस भेद से किसी विशेष जाति विशेष वर्ग के समूह का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी नारी पेड़ सागर आदि। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, किसी भी विशेष समूह विशेष वर्ग को हम जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस भेद से किसी के गुण अवस्था व्यक्ति के गुण अवस्था का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब भाववाचक संज्ञा वह होता है जहाँ पे कोई भाव होता है जिसे हम महसूस करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे सुख जैसे सुख दुख खटास मिठास इत्यादि। ये हमारा हो गया भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है समूहवाचक संज्ञा। समूह नाम से महसूस करिए जानिए समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के जिस भेद से किसी समूह या दल का पता चलता उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना संघ कक्षा आदि। सभा भी हो जाएगा, सभा भी इसके उदाहरण है। सभा में कई लोग होते हैं आपको पता ही है, कई समुदाय के लोग होते हैं। तो सभा भी समूहवाचक संज्ञा का ही
उदाहरण है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें संज्ञा के जिस भेद से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, तेल, घी आदि। कहने का मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो कोई द्रव्य या पदार्थ हो जिसे नाप तोल के हम लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा हो गया, पीतल हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, इत्यादि बहुत सी चीजें हैं जो द्रव्य होते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमारा चैप्टर संज्ञा समाप्त हो गया। और मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ होमवर्क दी हूँ जिसे आप अपनी कॉपी में जरूर करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि यदि आपने हमारा वीडियो अच्छे से देखा है तो इसे इन प्रश्नों के उत्तर अपने कॉपी में आसानी से कर लेंगे। और हाँ बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन।